तो क्या आप भी अपने YouTube चैनल के लिए कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे YouTube चैनल बैनर बनाना चाहते हो? चैनल बैनर मेरा की मतलब चैनल आर्ट, चैनल बैनर भी बोलते हैं, चैनल आर्ट भी बोलते हैं, बहुत इजी तरीका। और यही नहीं, आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैनल बैनर बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता आपका गेमिंग चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, कुकिंग चैनल है, या फिर कोई DIY चैनल या किसी भी टाइप का चैनल है। आप अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट बहुत इजी तरीके से अपने स्मार्टफोन की हेल्प से 5 to 10 मिनट्स के अंदर बना सकते हो। कैसे बनाना है इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। वीडियो देखना पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसी वीडियोज मिल सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपको 4 या 5 स्टेप्स के अंदर आप इजीली अपना चैनल बैनर बना लोगे। लेकिन सबसे पहले स्टेप जो आता है वो आता है एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना जिसका नाम है कैनवा। कैनवा आप अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है या फिर आपके पास एक आईफोन है, iOS है, आप दोनों के लिए आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर ऐप स्टोर में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो फिलहाल मेरे पास एक एंड्रॉइड डिवाइस है, इससे मैं बनाने वाला हूं। तो मैं जल्दी से यहां पे कैनवा खोल लेता हूं। मेरे पास कैनवा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास नहीं है। इसको ओपन करने के बाद सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे इसकी मेन विंडो आ जाती है। इसके पे हमें टॉप पे सर्च का बटन मिलता है, सर्च बार मिलता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके अपने को सिंपल सर्च करना है यूट्यूब बैनर। अभी यहाँ पर यूट्यूब बैनर आ रहा है, 16:9 का रेशियो होता है, इसका साइज होता है 16:9। इस पर क्लिक किया मैंने यूट्यूब बैनर पे। यूट्यूब बैनर पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है कि सिंपल सा हमने कोई भी बहुत सारे डिजाइन में से कोई एक डिजाइन पिक कर लिया और उसके ऊपर फिर एडिटिंग करना स्टार्ट किया। लाइक अपना नाम डालना स्टार्ट किया, अपनी फोटो लगाना चाहते हो तो फोटो लगाना स्टार्ट किया, कलर ऐड करना चाहते हो कोई और तो कलर ऐड करना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ऑलरेडी जहां पर एक डिजाइन है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन ये आता है कि हम स्क्रैच से एक ब्लैंक पीस है, व्हाइट कलर का कैनवस है, उसके ऊपर हमने स्क्रैच से एक चैनल आर्ट बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी जो बहुत सारे डिजाइन है 5263 टेम्पलेट्स में से कोई एक टेम्पलेट पिक करो जो आपको पसंद आता है, उस पर एडिट करना स्टार्ट करो ताकि आपका टाइम बचे और कम से कम मेहनत लगे। तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, मैं इनमें से कोई एक डिजाइन पिक कर लेता हूँ इस वीडियो के लिए। गेमिंग चैनल का ज्यादा बेटर रहेगा तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गेमिंग यूट्यूब बैनर। ये भी आप लोग कर सकते हो, अपना चैनल का नीश डालो, कैटेगरी डालो, उसके आगे सर्च कर लो तो आपको सबसे टॉप पे वही दिखाई देंगे गेमिंग चैनल। ये वाला बेटर है, इस वाले को पिक कर लिया मैंने, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 3 चीज़ें जो मैं चेंज करने लगा, सबसे पहले नाम, जो मुझे अपना नाम लगाना है, सेकंड चीज़ अपनी फोटो लगाऊंगा, और थर्ड चीज़ सब्सक्राइब का बटन की जगह इसको थोड़ा चेंज करेंगे। सब्सक्राइब कौन लिखता है, सब्सक्राइब का बटन तो नीचे भी मिलता है ना व्यूअर्स को, तो वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले नाम करते हैं, नाम मैं चेंज कर लेता हूँ अक्ष वर्मा। सेकंड चीज़ क्या करनी है, सब्सक्राइब के बटन को क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब नाउ कर देता हूँ, नाउ ज़्यादा बेटर है, सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, गुड टू गो। अब नेक्स्ट चीज़ नीचे जो ये भी हैं हमारे वेबसाइट के नाम हो गए, इंस्टाग्राम का हैंडल हो गया या फिर हमारा ईमेल एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें भी आप एडिट कर सकते हो। मैं जल्दी से करता हूँ इनको www. के बाद इंस्टाग्राम, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, यूज़र नेम है akshvarma। ईमेल एड्रेस भी डालना ज़रूरी है, अगर कोई ब्रांड कॉन्टैक्ट करे तो कैसे करे, ये भी एक तरीका है, उसको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा @akshvarma। अभी नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया, सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, नाम और सब्सक्राइब का चेंज कर दिया, थर्ड चीज़ हमें क्या करनी है, अपनी फोटो लगानी ताकि और ज़्यादा जेन्यून लगे, और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे हमारा चैनल बैनर। तो इसके लिए क्या करना है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना और अपनी फोटो अपलोड करनी। मेरी ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं, अभी मैं इनमें से पिक नहीं करना चाहता, मैं सिंपल से एक फोटो अपलोड करता हूँ। अपलोड 5 पे क्लिक किया मैंने, सबसे पहले आपने प्लस के अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके अपलोड के सेक्शन पे आने, अपलोड के सेक्शन पे आने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करने। यहाँ पर मैं अपनी फाइल चूज कर लूँगा, ये वाली फोटो चूज कर रहा हूँ मैं, तो इस फोटो पे मैंने क्लिक किया, ये फोटो अपलोड हो गई। तो ये मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है, इस फोटो मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर आ गई है, और मैं इसके ऊपर डायरेक्ट हवर करके लगा दूंगा, वो आ जाएगी फोटो यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा सेट करते हैं सेंटर पे रख के, डन। और इस फोटो में मैं थोड़े से एडिट मारता हूँ, लाइक ये थोड़ी डार्क है फोटो, मैं इस पर एडजस्ट पे क्लिक करूँगा, एडजस्ट पे क्लिक करें बट टेम्परेचर रहने देते हैं, ब्राइटनेस पे जंप करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा इसकी, ब्राइटनेस अराउंड 30, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, हाईलाइट्स को थोड़ा कम कर दूंगा, वाइट्स थोड़ा कम कर दूंगा, ब्लैक्स बढ़ा दूंगा, शार्पनेस थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऐसा चैनल बैनर बन चुका है, हमने कुछ छोटे से चेंजेस करे, लाइक 2 या 3 मिनट लगे हमें इसको बनाने में, और हमारा बैनर तैयार हो चुका है। अब ये परफेक्ट साइज है, आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल से डाउनलोड करो। टॉप जो थर्ड नंबर पर आपको बटन दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर पर, इस पर डाउनलोड पर क्लिक किया मैंने और ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे सेव का, ठीक है, प्रिपेयरिंग योर डिजाइन, इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो अपने चैनल बैनर पर। और ये आपको टीवी पे दिखाई देगा देखने वाले को, लैपटॉप पे दिखाई देगा, टैबलेट पे दिखाई देगा, स्मार्टफोन पे दिखाई देगा, जिस भी डिवाइस से जो देखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, परफेक्ट साइज नजर आएगा चैनल बैनर का। अभी नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, हमने एक चैनल आर्ट बना दिया, अब नेक्स्ट सेकंड चैनल आर्ट मैं आपको बताऊं, अगर कि मैं चाहता हूं ये फोटो जो यहां पर है इसमें, इस फोटो का बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाए, लाइक आपने एक आपकी आपने जो फोटो क्लिक करी है उसमें बैकग्राउंड अच्छा नहीं है आपका, आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करके अच्छे से लगाना है ताकि वो और ज्यादा
फिनिशिंग अच्छी है आपकी, तो मैं कोई जल्दी से सेकंड डिजाइन पर करता हूँ और उस पर बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी फोटो लगाता हूँ एज अ चैनल बैनर। तो सेकंड कैनवास ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सेकंड ओपन, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके मैं जल्दी से कोई टेम्पलेट पिक कर लेता हूँ, डिजाइन पे गए और इस बार कुछ दूसरा गेमिंग के अलावा कोई और डिजाइन बनाते हैं, ये वाला पिक करता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा पॉप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फूड ब्लॉगर का है लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा, व्लॉगिंग कर देते हैं सिंपल से ना, अक्ष वर्मा फूड व्लॉगर की जगह व्लॉगर, और सब्सक्राइब की बटन की जगह सब्सक्राइब नाउ, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ से, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया सब्सक्राइब नाउ। अब बस फोटो चेंज करनी है। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत इजी तरीका क्या, आपको जाना है remove.bg, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, इसको ओपन करना। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि आपको यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करना है। अपलोड इमेज पे मैंने क्लिक किया और अपनी फोटो ओपन कर लेता हूँ, जो फोटो में बैकग्राउंड रिमूव करना है मेरे को। इस फोटो को मैंने पिक किया और ये बहुत प्यारे तरीके से हमारा बैकग्राउंड रिमूव करके हमें दे देगा। सिंपल से हमें डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और हमारी फोटो डाउनलोड हो जाएगी जिसमें बैकग्राउंड रिमूव हो रखा होगा। अब इस अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट चीज अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। प्लस के आइकॉन पे जाना है, अपलोड्स के सेक्शन पे जाना है और अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। ये मेरी फोटो है जिसमें बैकग्राउंड रिमूव हो रखा है, फोटो आ गई है। इस फोटो पे मैंने क्लिक किया, ये फोटो हमारे चैनल आर्ट पे आ गई, यहाँ पे मैं ले गया, वापस परफेक्ट तरीके से आ गई है। इस पर थोड़ा सा वही ब्राइटनेस का काम करना है, एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपकी फोटो पे जरूरत होगी तो आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और फोटो का साइज भी थोड़ा बढ़ाया था, डन। तो हमारा एक और चैनल बैनर तैयार हो चुका है। और इसमें कितना टाइम लगा रहा है बैकग्राउंड रिमूव करते, एक मिनट ज्यादा लग जाए क्योंकि सिर्फ हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है अपनी फोटो से remove.bg की हेल्प से। तो ये दो हमने आराम से चैनल बैनर बना दिए बहुत कम टाइम पे। आप एक दो जितने चाहो उतने चैनल बैनर बना सकते हो, जिस टाइप के चैनल के लिए चाहो उस टाइप के चैनल के लिए बना सकते हो। अपनी फोटो लगा सकते हो, कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कोई फोटो, कोई PNG कुछ भी लगा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप डिजाइन कैसे करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं चुका बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि कैनवा की हेल्प से कैसे आप थंबनेल बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाने हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अगली वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टाटा।